तो तस्वीरें आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया की जीत का जश्न मना रहे हैं पार्टी कार्यकर्ता, और कांटे की लड़ाई में आखिरकार मनीष सिसोदिया जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। 2196 वोटों से मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज की सीट का चुनाव जीता है। ज्यादातर बड़े चेहरे मंत्री आम आदमी पार्टी के वो चुनाव जीत गए हैं 62 सीटों पर, बल्कि अब 63 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। 7 सीटों पर बीजेपी इस समय अटकी हुई है, यानी कि दहाई का आंकड़ा पार करना बीजेपी के लिए कठिन हो सकता है। 3:30 बजे अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, यानी कि अब से ठीक आधे घंटे के बाद अरविंद केजरीवाल पार्टी दफ्तर में जो मंच बनाया गया है वहां से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 63 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। राघव चड्ढा चुनाव जीत गए हैं, आतिशी चुनाव जीत गई है, मनीष सिसोदिया चुनाव जीत गए हैं, अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट पर काफी आगे इस समय चल रहे हैं। और इस सबके बीच कांग्रेस अपना खाता तक खोलने में कामयाब नहीं हो पाई है। बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि हम हार को स्वीकार करते हैं, चुनाव के नतीजों की समीक्षा करेंगे। कपिल मिश्रा ने भी कहा कि आज अरविंद केजरीवाल को जीत की बधाई देने का दिन है, लिहाजा मैं उनको जीत की बधाई देता हूं। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को जीत की बधाई दी है, और साथ में अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की पंक्तियां ट्वीट की है, न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में।